हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बेटा, आज हम इस सब्जेक्ट मतलब इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। बेटा, आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए मैंने MSc मैथमेटिक्स ऑल इन वन बुक बनाई है, ठीक है। अगर आपको उसको बाय करना है या इसके बारे में कुछ भी क्वेरीज करनी है तो इस नंबर पर आप संपर्क करें, ठीक है बेटा। देन अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। और बेटा, एक बात और कहना चाहती हूँ, एक किताब पूरी MSc समाप्त, ठीक है। ये हमने एक मतलब लाइन बनाई है कि एक किताब से पूरी की पूरी MSc समाप्त हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलो, सेम उसी टाइप का एग्जाम्पल है। पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या कहता है, फिर अपना आगे सॉल्यूशन पर चलते हैं, ठीक है बेटा। शो डेट द फंक्शन यू ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 2x माइनस के 2/3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन। ये मेरे पास है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि हमारे पास ये फंक्शन इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये चीज हमें शो करके दिखानी है, ठीक है। अब वही चीज, वही स्टेप्स आएंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चन में? स्टेप फर्स्ट ये है कि हम चेक मतलब सबसे पहले लिखेंगे, राइट LHS एंड RHS। जो LHS और RHS है सबसे पहले हम उनको लिखेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा बेटा हमारे पास यहाँ पे? सेकेंड स्टेप मेरे पास होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो मेरे पास U of X है वो प्रेजेंट है हमारे पास LHS में और RHS में और LHS एंड RHS। बात समझ आई बेटा? ठीक है, मेरे पास U of X जो है वो LHS में प्रेजेंट है या RHS में है या दोनों में है, ठीक है। मैंने जो शुरू में क्वेश्चन कराया था उनमें भी मैंने इस तरीके से ही बोला हुआ, पर वहां पे मैंने लिखा हुआ कि चेक यू ऑफ एक्स प्रेजेंट LHS एंड RHS, मतलब बोला यही है कि LHS में हो या RHS में हो या दोनों में हो, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान देना। स्टेप नंबर थर्ड, ये चेक करने के बाद आपको क्या करना है, पुट करना है, पुट, एक मिनट बेटा, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ U of X, ठीक है, जिसमें भी प्रेजेंट है उसमें U of X की वैल्यू पुट करेंगे एंड सॉल्व इट, ठीक है। स्टेप नंबर फोर हमारे पास क्या होगा बेटा? इफ LHS इक्वल टू हमारे पास RHS हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन जो होगा वो यस, उसका सॉल्यूशन होगा। इफ अगर हमारे पास LHS नॉट इक्वल टू RHS आ जाता है तब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन जो है, ये पूरा मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये है सॉल्यूशन जो है वो नो, इसका जो U of X जो है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा अगर नॉट इक्वल टू आते हैं। पर हमें तो यहाँ पे शो करना है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि दोनों इक्वल ही आएंगे तभी सॉल्यूशन इसका होगा, ठीक है। तो ये चार स्टेप आपको माइंड में सेट हो गए होंगे। तो सबसे पहले LHS और RHS देखते हैं। देखो बेटा, अगर मैं इंटीग्रल इक्वेशन की बात करूं तो इक्वल टू के इधर जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम LHS, इक्वल टू के जो इधर होता है इसको बोलते हैं हम RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने ये स्टेप तो देख लिया कि LHS और RHS हमें पता चल गई, ये लिख लेना, ठीक है। फिर चेक करना है कि U of X कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं देखूं RHS में तो कहीं पे है नहीं है,
RHS में तो प्रेजेंट है नहीं है, वो कहाँ पे है? मेरे पास यहाँ पर है यू ऑफ एक्स और यू ऑफ टी यहाँ पे देखने को मिला है, तो मेरे पास LHS में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जिसमें प्रेजेंट है उसमें यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद LHS इक्वल टू RHS जब आ जाए तो हम कह देंगे ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो स्टेप समझ आ गए बेटा, अब हम करते हैं स्टेप टू स्टेप। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे LHS मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे यू ऑफ एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर एक्स माइनस वन यू ऑफ टी, और यहाँ पे बेटा dt। ठीक है, ये हो गया मेरे पास LHS, और RHS मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा 2x e की पावर x। तो हम सॉल्व किसको करेंगे, LHS को। इतना क्लियर हो गया ना बेटा। अब देखो जब सॉल्यूशन हम करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन, ये पूरी इंटीग्रल इक्वेशन हम लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है LHS ये है मेरे पास, RHS ये है। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है मेरे पास, ये। इतना क्लियर है, तो अब मेरा मेन टारगेट LHS को सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे कि जो हमें गिवन है ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अब यू ऑफ एक्स की वैल्यू तो आप ये पुट कर दोगे, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यू ऑफ टी, मतलब एक्स की जगह क्या चाहिए मुझे, टी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स की जगह अगर मैं टी रखूंगी तो इधर भी तो एक्स, जहां जहां एक्स होगा वहां टी हो जाएगा। बात समझ आई ना, यहाँ पे मुझे एक्स की जगह टी चाहिए, तो जब मैं इस x की जगह t रखूंगी तो यहाँ पर जहां जहां x होगा वहां वहां क्या आ जाएगा मेरे पास, t आ जाएगा। t आ गया तो मेरे पास u ऑफ x की भी वैल्यू आ गई, u ऑफ t की भी वैल्यू आ गई। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब क्या करना है, ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है। और बेटा एक चीज और यहाँ पे, एक मिनट, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये एक्स माइनस वन नहीं है, एक्स माइनस के टी है, ये चीज आप ठीक कर लेना, एक्स माइनस के टी। ठीक है, ओके बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में मैं करके दिखा देती हूँ, कहाँ पे ये वाला बेटा, इसकी जगह यहाँ पे एक्स माइनस के टी आएगा और यहाँ पर भी। ठीक है, तो मैं ब्लैक पेन से कर देती हूँ, एक्स माइनस के टी की पावर एक्स माइनस के टी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे भी एक्स माइनस के टी, ये चीज। अब यहाँ पे LHS में हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यू ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी e की पावर एक्स 2x माइनस के 2/3। ठीक है, प्लस जो यहाँ पे LHS प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, e की पावर x माइनस के टी, e की पावर x माइनस के टी। अब यू टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये वैल्यू पुट कर दी e की पावर टी। ठीक है, और यहाँ पे 2t माइनस के 2/3 और dt। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व, और सॉल्व करके देखेंगे क्या ये RHS के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब बेटा ये तो एज इट इज है यहाँ पे। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं इतने पोर्शन को, पहले इसको कर लेते हैं, तो ये आएगा मेरे पास e की पावर x माइनस के टी है और e की पावर टी है। अब देखो बेस सेम, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाती है। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो मेरे पास ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ऐसे बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। अब देखो इसे कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर x। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी जगह आएगा e की पावर x। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन जो चल रही है वो टी के रेस्पेक्ट में चल रही है, तो ई की पावर एक्स वाला तो मेरे पास एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर, तो वही चीज यहाँ पे लिख दी। ठीक है बेटा, ई की पावर एक्स बाहर ले ली, अब इंटीग्रेशन के अंदर 0 से 1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1 और यहाँ पे ये एज इट इज पूरा RdT। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करना, ये एज इट इज है, ये भी मेरे पास एज इट इज है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन तो आसान है, हमें पता है
जब भी हम इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं तो हमें पता है इसकी पावर जो भी होगा उसमें एक ऐड करेंगे और जो पावर में वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो है इंटीग्रेशन 0 to 1 है और यहाँ पे वैल्यू है 2। एक मिनट बेटा, यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास 2t माइनस के 2/3 dt। इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, और एक चीज़ आपको एक फॉर्मूला और पता है, वो है हमारे पास दिस, इसका होता है x प्लस ए। ठीक है, ओके, क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे 2t, मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, 0 से 1 ये आ गया dt। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस है, 0 से 1 2/3 dt। अब देखो ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर 2/3 बाहर, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये। अब इसकी देखो ये सेम ऐसा है ना, तो इसकी जगह कि मेरे पास यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे डी एक्स है, तो यहाँ पे ये वाला आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया टी। ठीक है, बात समझ आई बेटा, ओके। डीएक्स का यहाँ पे एक्स आएगा, तो यहाँ पे डी टी का टी। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो हो गया। अब देखो इसको, देखो यहाँ पे एक्स की पावर एन, अगर मैं टी, एक मिनट, पावर वाली बात तो होती है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास जैसे यहाँ पे x की पावर n है, अगर मैं यहाँ पे x की जगह t लिख देती हूँ, तो मेरे पास इंटीग्रेशन t की पावर n dt, मेरे पास क्या होगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t की पावर क्या है मेरे पास, 1, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, t dt, यहाँ पर t की पावर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूले से, पर मैं कैसे करती हूँ वो चीज देखना बेटा। मैं इस तरीके से करती हूँ, ये यहाँ पे ये x की पावर n टाइप में, तो इसकी पावर में जो भी है, यहाँ पे 1 है, इसकी पावर में 1 है, 1 ऐड कर देंगे, जो पावर आई उस वो सेम चीज नीचे। मैं ये प्रोसीजर रखती हूँ, फॉर्मूलों पे मैं इतना नहीं जाती। ठीक है, बात समझ आई, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना बेटा, जो भी यहाँ पे है हमें पता है ये x की पावर n टाइप का है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे है इसकी पावर में जो है उसमें एक ऐड करो, फिर जो पावर है वही चीज़ नीचे ले आओ। मैं वही चीज़ करती हूँ, यहाँ पे x की पावर n है, तो इसकी पावर में जो है उसमें एक ऐड करो, जो पावर है वही चीज़ नीचे ले आओ, तो सेम चीज़ में नीचे ले आए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे t की पावर 2/2 0 से 1 माइनस के 2/3, और यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू, t की वैल्यू एक बार 1 रखो, एक बार 0 रखो, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है मैंने, कहाँ तक, यहाँ तक हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ दोनों ने इसको एक साथ ही कर दिया, यहाँ पे जैसे अब हम बड़ी क्लासेस में करते हैं, 2 2, मतलब ये 2 जो है ये एज इट इज रखा, इसकी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा जैसे यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और माइनस के 2/3 इसका टी, फिर इंटीग्रेशन एक, मतलब जो लिमिट है वो एक साथ लगा देंगे। ठीक है बेटा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको बताती हूँ। यहाँ पे ये 1/2, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे हो गया माइनस के 2/3, आगे अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 2/3, ये कैन 1 माइनस के 2/3, तो ये आ गया मेरे पास 1/3। यहाँ से जो मेरे पास इसकी वो वैल्यू निकाल के आई है वो आई है 1/3। ठीक है, इतना के लिए। अब देखो दूसरी तरीके से आप इसको, मैं जो बता रही थी ये वाला कैसे बता रही थी, देखो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन है 0 से 1
ब्रैकेट में 2t है माइनस के 2/3 और dt। अब इसका कैसे करना है, देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे 2 एज इट इज, ठीक है। टी का करेंगे हम, तो टी की पावर में जो है उसमें एक ऐड करो और जो पावर में वो एज इट इज माइनस 2/3। यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टी और 0 से 1। तो वही चीज अब देखो, यहाँ पे एक स्टेप और कर देते हैं, टी स्केयर बाय 2 माइनस के 2/3 टी 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल। तो वही चीज लिखी हुई है, टी स्केयर माइनस 2/3 टी और 0 से 1। बात समझ आई, ठीक है। ये चीज इसका जैसे मैंने ये पूरा ओपन करके बताया, ये डायरेक्ट बता दिया कि ये एज इट इज टी है, इसकी पावर में जो है उसमें एक ऐड करो, जो पावर है वो एज इट इज नीचे, और यहाँ पे कांस्टेंट मतलब एज ए कांस्टेंट, यहाँ पे ये होता है ना सिंपल डी टी का है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी 0 से 1, ठीक है। वही चीज यहाँ पे। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो सॉल्व करके देख लो क्या आता है यहाँ पे आंसर इसका। यहाँ पे अगर हम इस केस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रखूंगी और यहाँ पे माइनस के 2/3, और दोनों केस में यहाँ पे अगर लोअर लिमिट रखती हूँ तो 0 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/3, और यही चीज आई है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से ओपन करके सॉल्व कर लो या डायरेक्ट कर लो, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है बेटा। तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। यहाँ पे मैंने स्टेप टू स्टेप फॉर्मूला और नॉर्मल मतलब आपको कैसे माइंड में सेट रखना उस हिसाब से बताया, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे देखना बेटा, 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x e की पावर x माइनस 2/3 e की पावर x, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया ना। अब यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/3। यहाँ पे बाहर तो मेरे पास 2 e की पावर x था, इसके पूरे की वैल्यू 1/3 आई है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 e की पावर x। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो वही चीज यहाँ पे लिख दी, 2/3 e की पावर x। अब बेटा अगर हम चीज देखें, e की पावर x 2/3, 2/3 बट अपोजिट साइन, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, कैंसिल। रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा बेटा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, 2x e की पावर x। अगर हम चेक करें हमने RHS में क्या लिखा था, LHS को सॉल्व किया था ना, RHS हमारे पास क्या है, 2x e की पावर x, और यही हमारे पास LHS सॉल्व करके आया है। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, और जैसे ही LHS इक्वल टू RHS हुई तो हम क्या कह सकते हैं कि मेरे पास जो यू ऑफ एक्स दिया हुआ है ये इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बात समझ आई, ठीक है। LHS लिखा, RHS लिखा, हमने यू ऑफ एक्स देखा कहाँ पे प्रेजेंट है, LHS में है, उसमें उसकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके जो देखा वो आया हमारे पास RHS के इक्वल, तो हम कह सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच।